हाय फ्रेंड, आज हम फिजिक्स पढ़ाएंगे 11वीं क्लास का। क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं, पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन। देखिए, पहले हम इस देखते हैं कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मात्रक की, मात्रक और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास आटा है, हमारे पास क्या है, आटा, आटा है और आपके पास दाल है, तो हमें दाल चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें दाल चाहिए और आपको क्या चाहिए, आटा चाहिए। तो हम क्या करते थे कि भैया आपके पास गए हम, भैया हमें दाल चाहिए तो आप एक गिलास मुझे दाल दीजिए, एक गिलास दाल दीजिए मुझे और हम आपको एक गिलास आटा देंगे। क्या करेंगे, एक गिलास आटा देंगे। तो देखिए, ये दाल महंगा है, आटा सस्ता है, तो ये क्या होता था कि मतलब कि बर्तन से नाप करके या फिर किसी भी चीज़ से नाप करके वो भर करके दे देते थे दाल और आटा, उसके बदला आटा ले लेते थे, आटा के बदला दाल ले लेते थे। तो इससे क्या होता, किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा होता था। और इसमें अगर हमें, अगर किसी जो वस्तु विनिमय होता है, अगर मुझे कुछ लेना है, कुछ बदलना है, तो क्या अगर करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आटा चाहिए, मुझे मतलब कि जंटा चावल चाहिए, तो क्या करता था लोग, गेहूं को सर पे लेकर के बाज़ार जाता था और वहां से चावल लेकर के आता था। इसके मतलब के अदला बदली जिसे बोलते हैं, अदला बदली करते थे। तो पर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको जो है लोग दिमाग लगाने के बाद इसने एक मापन की पद्धति स्टार्ट की, मापन की पद्धति स्टार्ट की। और मापन की पद्धति में से तीन पद्धति जो है, प्रणाली जिसे बोलते हैं, प्रणाली, मापन की प्रणाली, मापन की तीन प्रणाली का विकास हुआ। पहला CGS, दूसरा FPS और तीसरा MKS। ये तीन प्रणाली थी। तो ये एक ब्रिटिश प्रणाली थी। क्या थी, ब्रिटिश प्रणाली थी ये वाली। और देखिए इसका मतलब होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर दूरी को नापने के लिए से, दूरी या लंबाई को नापने के लिए से सेंटीमीटर का। और ये इसका द्रव्यमान को, किसी वस्तु को का वेट करने के लिए। और समय सेकंड, और सेकंड को, समय को सेकंड में नापने के लिए से इसका इस्तेमाल किया गया था। और ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई या दूरी को फुट और वजन को, किसी भी वस्तु के वजन को नापने के लिए से पाउंड। और इसके मतलब कि इसमें समय को एस से नापा जाता था, सेकंड से। और फिर उसके बाद मीटर को, यानी कि दूरी को मीटर से, और जो द्रव्यमान था, जो वजन था, उसको केजी से, किलोग्राम से, और समय को एस से। तो तीनों में समान है, एस समान है, समय को नापने के लिए से सेकंड समान है। क्या था, सी जी एस फुट पाउंड सेकंड,
मीटर किलोग्राम सेकंड। तो फिर ये क्या है कि अलग 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 जगह पे अलग अलग देशों में अलग अलग तीन प्रणालियाँ थी। तो इसमें क्या होता था कि जब मतलब कि विकास हुआ, ग्लोबलाइज की ओर दुनिया बढ़ा, तो इसमें दिक्कतें आने लगी, मापने में दिक्कत आने लगी। अगर किसी को पता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है CGS पद्धति और आपको पता है FPS पद्धति, तो इसमें क्या होता था कि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो इसके लिए से इस कन्फ्यूजन से और इस परेशानी से निपटने के लिए लोगों ने क्या किया, एक सर मतलब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ने एक मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? इस कन्फ्यूज़न से निपटने के लिए पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने मीटिंग बुलाई। और मीटिंग कहाँ हुई थी? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस, पेरिस के सेब्रस में, पेरिस के सेब्रस में मीटिंग हुई। और मीटिंग होने के बाद ये तीन पद्धति मतलब कि तीन जो मूल्य मतलब कि मूल्य ये है मूल्य मात्रक, क्या ये जो मूल्य मात्रक है, तीन पद्धति मूल्य मात्रक, इसको क्या किया, एक्सेप्ट क्या किया, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया। देखिए सी किसके लिए था? फुट, यानी कि सी बोलिए सी बोलिए या एफ बोलिए, सी एफ 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 यानी कि सेंटीमीटर, फुट और मीटर। और इसी तरह ग्राम, पाउंड और केजी या फिर SS, तो SS तो था ही, सब में था SS। तो ये था द्रव्यमान, ये क्या था, लंबाई के लिए से था, लंबाई लंबाई के लिए से या दूरी के लिए से, लंबाई या दूरी को मापने के लिए से सेंटीमीटर, फुट और मीटर में, ग्राम, पाउंड और केजी में को द्रव्यमान मतलब वजन को नापने के लिए से, द्रव्यमान को नापने के लिए से क्या 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 यानी इस्तेमाल किया गया, ग्राम का, पाउंड का और केजी का। और समय को नापने के लिए से, समय को नापने के लिए से एस का इस्तेमाल किया गया, सेकंड का इस्तेमाल किया गया। तो ये तीन पद्धति जो थी, और लास्ट वाला जो था ये MKS, यानी कि ये जो लास्ट वाला है MKS, इसे मान लिया गया मीटिंग में इसको पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस पे सहमति जताई, MKS पे सहमति जताई। और शुरू में मूल मात्रक, शुरू में जो मूल मात्रक था, मूल मात्रक शुरू का जो मूल मात्रक था वो तीन था, तीन था, द्रव्यमान के लिए से M, और द्रव्यमान के लिए से KG, और लंबाई के लिए से M, और समय के लिए से सेकंड। ये तीन इकाई थी, तीन मतलब के मूल मात्रक थे शुरू में, जब इसको मतलब पहले मीटिंग में जब पास किया गया तो ये तीन मात्रक थे। फिर जब वैज्ञानिक धीरे धीरे विकास किए, जब वैज्ञानिक मतलब के दुनिया आगे बढ़ी, तो फिर चार मूल मात्रक का और पता चला, क्या है, चार मूल मात्रक का और पता चला। चार मूल मात्रक में से वो थे विद्युत धारा
ज्योति, तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ पदार्थ की मात्रा। देखिए पदार्थ विद्युत धारा को एम्पियर से नापा गया और ज्योति तीव्रता को सीडी कैंडेला से और ताप को केल्विन से और पदार्थ की मात्रा को मोल से, क्या गया मोल से मापा गया। याद रखिएगा विद्युत धारा को एम्पियर से और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से और ताप को केल्विन से और पदार्थ की मात्रा को मोल से डिफाइन किया गया। तो ये क्या है कि सात क्या है, ये मूल्य है, सात मूल्य मात्रक है। याद रखिएगा सात मूल्य मात्रक, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और ताप और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान को के से और लंबाई को एम से, ये एम है एम से, और समय को सेकंड से, विद्युत धारा को एम्पियर से और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, ताप को केल्विन से। ताप के तीन मतलब के तीन पैमाने पे मापा जाता है, एक डिग्री सेंटीग्रेड, एक डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन से। तो ये केल्विन को SI मात्रक कहा जाता है, ये दोनों SI मात्रक नहीं है, लेकिन आमतौर पे हम अपने अगर किसी को बुखार आ जाए तो हम इसमें नापते हैं और इसमें नापते हैं। थर्मामीटर पे दो ही चीज़ दिया रहता है, एक ये और एक ये, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए अब क्या है कि ये तो हो गया मूल मात्रक, ये क्या हो गया मूल मात्रक हो गया। अब दूसरा मात्रक कहलाता है पूरक मात्रक। दो है, एक कोण और दूसरा घन कोण, ठीक ना। इसको हम रेडियन से और इसको स्टेरेडियन से दर्शाते हैं। कोण और कोण को रेडियन से और घन कोण को स्टेरेडियन से। मतलब कि कोण वो होता है जो जिसकी आकृति कागज पे या पृथ्वी पे बनी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है पूरा और इस पे एक चौकोर बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, इस कोण को हम कोण कहेंगे। और घन कोण क्या होगा, जो कि आप लूडो का देखेंगे छक्का, तो उसमें जो कोण बनता है उसको कहते हैं, उसे हम ही घन कोण कहते हैं, घन का कोण कहते हैं। तो उसको उस घन के कोण को हम स्टे रेडियन से सूचित करते हैं और कोण को हम रेडियन से सूचित करते हैं। अब देखिए अब क्या है कि अब तीसरा है व्युत्पन्न, क्या है तीसरा है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक इसका, देखिए व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न होने वाला, तो जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है, जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं,
उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण है जैसे कि बेग, बेग। अब बेग, बेग का अगर मात्रक निकालेंगे, मतलब कि अगर मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, बेग का आप सूत्र जानते हैं कि विस्थापन, विस्थापन बटे समय होता है। अब विस्थापन क्या है, लंबाई है या दूरी है, दूरी का क्या था m और समय का क्या था s, तो क्या हो जाएगा m इन्वर्स s, क्योंकि s ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, यही व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। और दूसरा उदाहरण है बल, दूसरा है बल। अब बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान फॉर एग्जांपल, द्रव्यमान का, अब देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, मतलब के वेग का क्या था, वेग का सूत्र देखिए, वेग का एसआई मात्रक ये था, ये वेग का एसआई मात्रक ये था, तो एम एस और एस, क्योंकि त्वरण का जो होता है, देखिए त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटा समय, समझ गए, वेग बटा समय को हम त्वरण कहते हैं। तो ये समय हो गया, समय वेग का जो एसआई मात्रक था वो एम एस इनवर्स वन और बटे एस। तो अब देखिए ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के जी एम एस इन्वर्स टू, ये क्या, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, कल का क्लास जो होगा वो मैथ का होगा, तो इसी तरह से फिर मैथ के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, फिर मैथ, तो इसी तरह से अल्टरनेट क्लास चलता रहेगा। हफ्ता में 6 दिन क्लास होगी और 1 दिन बीच में गैप रहेगा। तो थैंक यू। और इस पे जो है साइंस, अभी फ़िलहाल साइंस का पढ़ाई हो रहा है, फिर बाद में कुछ दिन बाद आर्ट्स का भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा और मतलब कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो थैंक यू।